नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका एक नए अंदाज में, क्या है? भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ठीक है, ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडकोपनिषद या मत्स्य पुराण? तो हमारे पास ये बहुत अच्छे से ऑप्शन आता है मुंडकोपनिषद। वेल, अगर हम बात करते हैं मुंडकोपनिषद, जैसे उपनिषद 108 उपनिषद हमारे भारतीय अगर ग्रंथों की बात करते हैं उसमें माने जाते हैं। 108 उपनिषद में से एक है मुंडकोपनिषद और एक है मांडुकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद दोनों अलग अलग हैं, इसे बहुत बारीकी से हमें ध्यान रखना है मुंडको। ठीक है, तो यहां पर मुंडकोपनिषद पे हमें फोकस करना है। तो दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की दूसरी, मतलब जो तरीका दूसरे आस्पेक्ट से पूछा जा सकता है वो क्या, कई बार ऐसा भी होता है ऑप्शंस में डायरेक्ट कौन से उपनिषद से लिया वो नहीं बताते, सिंपल ऑप्शन देते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर उपनिषद। तब सिंपल आंसर हमारे पास उपनिषद होगा, यानी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो पूर्ण रूप से कौन से उपनिषद से है नाम आ सकता है या सिंपल उपनिषद के नाम से आंसर हमारा हो सकता है, तो ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस या अशोक का शिलालेख? तो हमारे पास यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्या? मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज, जो कि हम देखते हैं कि सेल्यूकस द्वारा भेजा गया एक जो है कौन थे, राजदूत थे, जहां पर ये जो विद्वान के स्कॉलर, मतलब हम कहते हैं ना कि इनको भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्होंने बहुत ही अच्छे ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। ग्रीक भाषा में इसकी रचना की थी, जहां पर ये फिलोसोफर, ये विद्वान जो थे, दरअसल इन्होंने मौर्य समाज के काफी इतिहास को उजागर कर दिया है अपने इस इंडिका नामक ग्रंथ में, जहां पर इन्हीं के, अगर हम समाज की बात कर रहे हैं, उसके बारे में, नगर प्रशासन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो मेगस्थनीज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे समाज को 7 भागों में विभाजित किया हुआ है। इन्होंने ही बताया था कि हमारी समाज में दरअसल 7 तरह के, जो कास्टिज्म तरह से उसको डिवाइड किया था प्रोफेशनल आधार पर। तो इस तरह से प्रश्न हमारा होता है और उत्तर होता है मेगस्थनीज इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न दिखता है, तालिकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तालिकोटा का युद्ध, हमारे पास ऑप्शंस है अकबर और मालवा के सुल्तान, विजयनगर और बाहमनी साम्राज्य, या विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेना, शेषा और हिमायू। तो यहां हमारा उत्तर हो जाता है दरअसल विजयनगर एक तरफ और दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा की संयुक्त सेना। कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य, जो इतना विशाल साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईसा में की थी, और जहां पर जब ये देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य इतना महान साम्राज्य, जिसमें हम देखते हैं कि 4 वंशों ने एक एक करके शासन किया था, उन्हीं में से एक थे हमारे महान शासक जिसका नाम था कृष्णदेवराय, बाबर ने भी इनका जिक्र किया। कहते हैं कि दरअसल अगर तालिकोटा के युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो तालिकोटा का युद्ध जो है 1565 ईसा में नजर आता है। ठीक है, 1565 ईसा में जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, बल्कि इस विशाल साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ये तीनों की जो सेना है वो संयुक्त हो गई थी। ये तीनों जो थे हाथ मिला चुके थे और ये विजयनगर के महान साम्राज्य को ध्वंस करना चाहते थे, जिस इरादे में ये सफल होते हैं। और इस तरह से देखा जाता है कि यहां पर एक समय पर जो साम्राज्य शासन कर रहा था, यानी विजयनगर साम्राज्य के तहत तुलु वंश शासन कर रहा था, उस तुलु वंश का अंत होता है और फिर से एक नई शुरुआत की जाती है विजयनगर के तहत, जिसमें हम देखते हैं अरविदु वंश आता है, यानी विजयनगर का चौथा और अंतिम वंश। कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जहां से कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, जिस ब्रिटिशर को प्राप्त हुए तो उसका नाम था कॉलोनल मैकेंजी। मैकेंजी ने सर्वप्रथम यहां से हम्पी से जो है अवशेषों को खोजना शुरू किया था, यानी आज के कर्नाटक के क्षेत्र में यह हम्पी हमें नजर आता है। और इसके साथ साथ यहां पर जिस नदी के माध्यम से ये लोग सिंचाई करते थे, सारे काम करते,
करते थे, कार्य करते थे, तो वो था तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के आधार पर ये विशाल साम्राज्य पनप रहा था, जिसकी सप्लाई हम देखते हैं कि केंद्र जो, यानी अगर रॉयल सेंटर है, जो शाही केंद्र है, यहां तक कि कहा जाता है कि जो शाही केंद्र है वहां तक जो पानी का सप्लाई उस नदी के माध्यम से माना जाता था। और इस विजयनगर साम्राज्य के काफी शासकों ने इसीलिए इसके मेंटेनेंस के लिए डैम, टैंक्स, ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर को सही यूटिलाइज करने के लिए, उसका सही प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई हुई थी। जहां पर कहीं हमें जो यात्री आते हैं उनके माध्यम से ग्रंथ में पता चलता है, तो वहीं बताया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य जो था दरअसल इस तरह से 7 लेयर्स में बना हुआ था। कहते हैं कि इसके अंदर अंदर जो है एक लेयर्स में ट्रैक्स में नजर आते हैं, जिसके 3 ट्रैक्स में सिर्फ क्या होती थी, कृषि होती थी, एग्रीकल्चर। और यहां पर जो मार्केट की बात की है ना, उस मार्केट की तारीफ करते हुए कहा है कि मानना पड़ेगा इस मार्केट में दुनिया की हर एक बेशुमार चीज जो उपयोग में आई जाती है वो सारे से लेकर, यानी एक छोटी छोटी चीजों से लेकर बेशुमार चीजों तक, वो सब विजयनगर की मार्केट में उपलब्ध है, प्राप्त होती है। तो सोचिए बात हो रही है उस समय की, ठीक है, 14 सेंचुरी से हम अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय के सेंचुरी से लेकर 14 सेंचुरी, 15 सेंचुरी और 16 सेंचुरी के मध्य तक हम देख रहे हैं, हालांकि इसका पतन हुआ, पूरी तरह अंत नहीं हुआ, तो उस जमाने की मार्केट के बारे में विजयनगर का बहुत ही उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन की सामान्य मान्यता थी, एक नया प्रश्न है, और यहाँ ऑप्शन क्या है, अहिंसा का पालन, निर्वाण की तपस्या, संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, सत्य बोलना। तो यहाँ पर ये जो दुख है ना, तो तुम लोगों को ये विलीन में जाने की जरूरत नहीं है कि दुख हो रहा है यहाँ पर, ऐसा कोई दुख वाला वो नहीं है, ठीक है, दरअसल लेकिन उत्तर भी यही है कि क्या संसार दुखों से भरा हुआ है। भाई देखा जाए तो अगर हम बात करें यहाँ पर किन किन को रखा गया, महात्मा बुद्ध को मीराबाई, यानी महात्मा बुद्ध हो गए प्राचीन भारत में और मीराबाई मध्यकालीन भारत में। तो सोचिए एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करके यहाँ पर समानता ढूंढ ली कि दोनों के विचारों में समानता क्या रही। तो हम जब एग्जामिनेशन के लेवल को समझते हुए देखते हैं तो हमें यहाँ पर एग्जामिन भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अहिंसा का पालन की बात करें तो अहिंसा का पालन जो है उसमें हमें नजर आता है, जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत दिया हुआ है, बौद्ध धर्म में एग्जैक्टली जो है अहिंसा हमें इस सिद्धांत को डिस्क्राइब नहीं किया। अदर ऑप्शन से भी हम समझ सकते हैं, निर्वाण की बात कर रहे हैं तो निर्वाण बौद्ध धर्म में एक अंतिम स्टेज जहां पे निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें जो एक मार्गदर्शन महात्मा बुद्ध ने दिया, वही मीराबाई का ये तरीका नहीं था। मीराबाई एक भक्ति संत में एक महान स्त्री मानी जाती है, जिन्होंने मध्यकालीन भारत के तहत जो है जो वहां पे रूढ़ीवादी समाज था जिसके बीच में वो रही थी, ये वही मीराबाई है जिन्हें ठीक अगर लगभग हम 500 साल पहले देखते हैं तो इन्हीं मीराबाई को लोग जो है एक बुरी स्त्री कहकर पुकारते थे, एक गलत स्त्री के दौरान मतलब इनको जो है प्रस्तुत किया जाता था, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति जो नियम पालन है उसका पालन नहीं करती है, या समाज की लोक लज्जा नहीं देखती है, ये तो सारे दिन कृष्ण कृष्ण करती है। और वही आज लगभग 500 साल बाद मीराबाई जो है एक देवी के आधार में मानी जाती है। जब भी आजकल हवाला दिया जाता है तो एक प्रेमिका के रूप में, एक चाहे हम एक अच्छी संत के रूप में देखते हैं तो मीराबाई का एग्जाम्पल आता है दोस्तों। तो एग्जैक्टली अगर देखते हैं तो यहां पर निर्वाण उनका उद्देश्य नहीं था, वहां पर क्या था कि कृष्ण की भक्ति के साथ उसमें विलय हो जाना, यानी इन्होंने अपना एक आधार बनाया हुआ था जहां उस मूर्ति को ये मानते हुए, प्रतिमा को मानते हुए क्या करती थी, भक्ति करती थी, तो ये भी मैच नहीं होगा, ठीक है। सत्य बोलने का, सत्याग्रह का भी अगर हम देखते हैं तो सत्याग्रह का जो विचार है ये भी हमें नजर आता है जैन धर्म में, जहां जैन धर्म के 5 महानुव्रतों में से सत्याग्रह माना जाता है। तो लेकिन अगर वही देखते हैं तो क्या है, भक्ति संत की बात कर रहे हैं या सूफी संतों की बात करते हैं या बौद्ध धर्म, जैन धर्म या काफी धर्मों का आधार हम देख ले तो सब में क्या है, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, यानी सब ने इसी चीज को देखते हुए अब उनके जीवन में जो भी समस्या है, जैसे मीराबाई को लगने लगा कि भाई उनपे बंदिशें रखी जा रही है, स्त्रियों के प्रति व्यवहार गलत है, तो महात्मा बुद्ध को नजर आया उसके उस दौर के समाज में कि भाई यहां तो जो है जाति व्यवस्था है, जातिवाद है, यानी लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब समय की परेशानियां चाहे अलग अलग हुई हो लेकिन वो दुखों का कारण है, तो ये दोनों में कॉमन माना जाता है और ये हमारा उत्तर है।
निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की बेटी थी? अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पर ऑप्शंस है हमारे पास, जहां आ रहा रोशन आ रहा गौहर आ रहा मेहरुन्निसा, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है मेहरुन्निसा। अब मेहरुन्निसा समझने वाली बात है, दो मेहरुन्निसा है, एक मेहरुन्निसा कौन हो जाती है जिसका एक उपाधि, जिन्होंने एक उपाधि प्राप्त की थी जहांगीर से नूरजहां। जी हां, एक मेहरुन्निसा नूरजहां थी, यानी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, जहां पर जहांगीर की पत्नी होने के साथ उन्होंने वो टाइटल कमाया और एक ऐसी मुगल स्त्री रही थी कि जिन्होंने राजनीति को अपने हाथ में रखा था। मुगलों की अत्यधिक शिक्षित जो स्त्री थी वो वही थी, और यह भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम ऐसी महिला जिन्होंने राजनीति को अपने हाथ में रखा। जब इस तरह के प्रश्न होते हैं तो अक्सर मेहरुन्निसा या नूरजहां का नाम आता है, लेकिन अब यहां पर प्रश्न का संदर्भ जो है औरंगजेब से रखा है, तो औरंगजेब के संदर्भ में ये मेहरुन्निसा कौन है, औरंगजेब की पुत्री। जबकि अगर बात करते हैं जहां आरा रोशन आरा गौहर आरा, शाहजहां की बहनें थी ना कि जो मतलब सॉरी औरंगजेब की बहनें थी ना कि जो है इनकी पुत्री थी, यानी औरंगजेब और ये तीनों ये सब जो है शाहजहां के क्या थी, संतानें थी, यानी उनके बच्चे थे। ठीक है, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट करना होता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या कहते हैं, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। और यहां पर जो हम लोगों का उत्तर आता है वो क्या है, फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। यहां पर देखिए सब आए, सब ने लेकर क्या किया था, यहां पर जो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू की थी। अब यहां पर अगर कोई मतलब लगा दिया जाए कि कंडीशन की अगर मद्रास के रिलेटेड है तो कौन सी रहेगी, तो उनमें से फिर मद्रास के रिलेटेड जो है वो ऑप्ट किया जाएगा। अगर बात करी जाएगी कि सूरत के रिलेटेड या मसूलीपट्टनम के रिलेटेड, तो यहाँ पर उसको कंडीशन लगा जाएगी। लेकिन यहाँ सिंपल कहा है कि फर्स्ट यूरोपियन कंपनी, तो उत्तर हमारा होता है पोर्तुगीज। जब हम इन्हें क्रम में लगाए तो क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्तुगीज आ रहे हैं, ठीक है, पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद जो है कौन आते हैं, यहां पर आ रहे हैं डच, ठीक है, और डच के बाद जो आ जाएंगे ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, और ब्रिटिशर्स के बाद हम देखते हैं यहां पर हमें क्रम में नजर आते हैं फ्रेंच, ठीक है, तो ये सब है। और इस क्रम में सबसे पहले यूरोपीय कौन हो जाएंगे, पुर्तगाली, जहां पर हम देखते हैं कि पुर्तगाली वास्को डी गामा, पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए कैसे रास्ते की खोज कर ली थी, जहां से जलमार्ग से होते हुए भारत जाया जा सकता था, और इस तरह से भारत में व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत की थी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी सर्वप्रथम भारत में यहां पर शासन मतलब सॉरी व्यापार करने के लिए शुरुआत। नेक्स्ट, सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनमें से कोई भी नहीं। अब इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन क्यों हो जाए भाई, जब हमारे पास यहाँ उत्तर रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम जो था दरअसल होता ये है कि इसकी स्थापना जो थे थॉमस मुनरो ने दक्षिण भारत में यानी मद्रास और बॉम्बे, उस जमाने में अंग्रेजों की ये दो दक्षिण की ओर प्रेसिडेंसी थी, तो वही तीसरी प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता पूर्वी भारत में थी, जहां पूर्वी भारत में जो अपनाया गया था व्यवस्था वो परमानेंट सेटलमेंट था, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। लेकिन जब यहां पर क्वेश्चन में आ गया है सर थॉमस मुनरो, तो हमारा उत्तर रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी, जहां पर ब्रिटिशर्स अब बिना किसी बिचौलिए को रखे ही सीधा किसानों से तोल भाव करते हैं कि कर का क्या करना है, किस तरह से कर क्या देना होगा, कितना रेशियो रखना है, मतलब जो डिस्कशन था बिटवीन ब्रिटिशर एंड फार्मर्स, यहां कोई इंटरमीडिएट्स नहीं थे, यहां पर कोई भी जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स नहीं होते थे, इसीलिए यह व्यवस्था सफल होती है जहां पर यह होती है, कहां पर, मद्रास एंड बॉम्बे। तो सही मायनों में जो है, इन शॉर्ट कभी पूछते हैं कि भारत के कौन से क्षेत्र में, तो हम लोग उत्तर में ऑप्शन में हमें दक्षिण भारत भी दिया जा सकता है, कई बार क्लियर पूछा जाए कौन से प्रेसिडेंसी, तो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कई बार इसी तरह का ऑप्शन क्या आ जाएगा कि चार दिए हैं, अब कौन सा कोड सही है, तो दोनों का जो भी कोड होगा उस कोड को हम कहेंगे कि सही है। तो तीसरा तरीका क्या होगा कि दक्षिण भारत दे दिया जाएगा, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, बन गए चार ऑप्शन, तब उसमें से दक्षिण भारत हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दोनों ही प्रेसिडेंसी दक्षिण भारत की ओर नजर आते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 1857 के विद्रोह पे अलग अलग प्रवृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर एक नया प्रश्न क्या आया है कि इनमें से कौन नहीं है। तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, और यहाँ पर उत्तर हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है और वो क्या है, उधम सिंह। उधम सिंह जो कि एक हमारे क्रांतिकारी विचारधारा जो इनमें उत्पन्न होती है एक घटना के तहत, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में उस समय एक छोटे बच्चे के दौर में इन्होंने वो घटना देखी थी जिससे प्रभावित हो इनके जीवन का एक लक्ष्य बन चुका था, और वो लक्ष्य क्या था, जनरल डायर से बदला लेना, जो अंततः इन्होंने किया भी था। वहीं अगर हम 1857 के इन हमारे लीडर्स को, हमारे हीरोज की बात करते हैं, तो वहीं बेगम हजरत महल जो कि हमें लखनऊ से नजर आती हैं, कुंवर सिंह जो कि हम देखते हैं कि बिहार से लीड कर रहे थे 57 के इस विद्रोह को, मौलवी अहमदुल्ला एक ऐसे संत हुए थे जिन्होंने मतलब आजादी का जो बिगुल था, आजादी के बिगुल के जो कहते हैं ना एक घोषणा, एक उत्तेजना, एक खुशी, एक कहते हैं ना लोगों के अंदर सोच के जो बीज थे वो बो दिए थे, जहां कहां कहां इन्होंने नहीं किया था ऐसा, चाहे फिर वो दिल्ली, मेरठ, पटना, कलकत्ता, कई क्षेत्रों में इन्होंने प्रभावित किया था। तो ये भी 1857 के विद्रोह से संबंधित है, पर अगर कोई नहीं थे तो वो कौन थे, उधम सिंह, क्योंकि हम देखते हैं 1857 विद्रोह जो है 19वीं शताब्दी में है, वहीं उधम सिंह हमें कौन सी शताब्दी में दिखते हैं, 20वीं शताब्दी में इनका किरदार नजर आता है। नेक्स्ट, मुंडा ने विद्रोह किया 1885, 1888, 1890, 1895, और हमारा उत्तर होता है यहां पर 1895। दरअसल कहा जाता है कि मुंडा जो एक ये जो ट्राइबल है, कहा जाता है कि इसके लीडर थे जिनका नाम था बिरसा। तो बिरसा मुंडा वो थे जिनके जिनका ये मानना था कि इन दिनों जो कुछ जमींदार, जागीरदार, ठेकेदार आ चुके थे ना, ये जो मनी लेंडिंग का काम कर रहे थे, ठीक है, मनी लेंडर का काम करना एक तरह से, और यहाँ पर जो अपनी मनमानी चला रहे थे इन्हीं के क्षेत्रों में जाकर, क्योंकि अक्सर हम भी जानते हैं कि कबीलाई लोग जो है पसंद नहीं करते हैं कि उनकी कोई परंपराओं को कोई उनसे जो है समझौता करने को कहे, तो वहीं पे ना तो उन्हें ये भी पसंद था कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके बीच में आकर रहे और इंटरफेरेंस करे। ये लोग स्वतंत्र होकर अपने कल्चर और समाज के आधार पर अपना जीवन व्यापन करने वाले लोग, जहां पर जब डिस्टर्बेंस इन्हें नजर आने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा जो प्रकृति से जो चीजें उत्पन्न होती थी उसके आधार पर इनका बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, पर मानो कि जो अंग्रेज लालची थे, उन लालची अंग्रेजों ने जिस तरह से यहां पर जो जागीरदार ठेकेदार थे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई इनकी तरफ बढ़ने के लिए, और जब ये बढ़े तो यहां पर सहन नहीं किया गया, इनकी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था को जब लगने लगा कि इसको खतरा है, तो इन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई और बिरसा मुंडा ने जो है विद्रोह घोषित कर दिया था, जिसके बाद 1900 में जो है ये मारे जाते हैं, मतलब इन्हें सजाए मौत दे दी जाती है। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राममोहन रॉय। तो हमारा उत्तर होता है यहाँ पर राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। वहां एक नया वर्ड जो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो क्या है, इंडियन रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण। भाई अब तक तो जब प्रश्न पूछा जाता है, अब तक तो कहा गया कि फादर ऑफ इंडियन क्या नाम है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के जनक, लेकिन अब जब इंडियन रेनेसा वर्ड भी आ चुका है, रेनेसा मतलब यहां पर बात की गई है न्यू एरा, रेनेसा को कहा जाता है न्यू एरा, जहां यूरोप से हम देखते हैं कि ये जो है वहां से आता है भारत में, जो उससे प्रभावित होते हैं और भारत में इस तरह के नए न्यू एरा यानी नए युग का आगमन, ऐसे युग का आगमन जहां नई सोच है, नई व्यवस्था है, नए लोग है, नई जिंदगी है, नया जीवन है। तो ऐसा जीवन हमें स्वयं बनाना होगा, ना कि हमें बना बनाया मिलेगा। अब भाई आजादी अगर हमें अंग्रेजों से प्राप्त करनी थी तो क्या हमें बैठे बैठे आजादी मिल गई, नहीं, ना जाने कितने जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, किन्होंने अपना कितने लोगों ने बलिदान दिया था, जाकर भारत को आजादी मिली थी। इसी तरह से अगर बात करते हैं नया युग का आगमन, जो आज हमारा आप जिंदगी जीते हैं, एक नई सोच भरी, स्वतंत्रता भरा जीवन, ये सोच हमारे बीच में, हमारे समाज में उत्पन्न करने वाले सबसे पहले राजा राममोहन रॉय ही थे, जिन्होंने
हर चीज के पीछे अब विज्ञानात्मक मतलब तथ्य की बात करी कि जब तक ये मनगढ़ंत कहानियों का दौर चलता रहेगा ये बुरी परंपराएं समाप्त नहीं होगी और शोषण युगों युगों तक बना रहेगा। अगर शोषण का अंत करना है समाज को बदलना आवश्यक होगा। समाज को कब बदल सकते हैं? जब हम नई सोच उत्पन्न करते हैं। तो ये सोच नया युग के लिए आगमन करने के लिए जो सर्वप्रथम व्यक्ति एफर्ट्स करते हैं ब्राह्मो समाज के माध्यम से वो कौन होते हैं? राजा राममोहन रॉय होते हैं। अब इस प्रश्न को देखेंगे। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल। और यहां पर बात कर रहे हैं 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है दरअसल उसका हर साल अधिवेशन होता था। ये बात तो हम लोग कई बार चर्चा में कर चुके हैं और नहीं देखा तो जाइए पुरानी वीडियोस को जाकर विजिट कीजिए, जाइए मेरे 65 दिन के गारंटेड बैच में और तब आपको पता चलेगा किस तरह से टॉपिक वाइज वहां पर पढ़ाया हुआ है। और बहुत जल्द MTS का यहाँ पर जो है DP और MTS का बैच आप लोगों के बीच में आ चुका है, उसको भी उसके साथ भी तैयारी कीजिए जो मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। तो वॉइस स्मार्ट के सभी आप लोग देखते रहिए, वॉच करते रहिए और यहां पर जो कुछ ऐसे भी रील्स और शॉर्ट्स है जिसके माध्यम से आपको यहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी बैच को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जब यह कांग्रेस के हर साल अधिवेशन रहते तो हर साल के अधिवेशन में हमें नजर आता है कि 1938 का जो हरिपुर अधिवेशन होता है उसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जो है यहां पर चुने जाते हैं एज अ लीडर ऑफ INC। इनके नियंत्रण में जो है ये जो INC की कांग्रेस का सेशन जो चल रहा था, दरअसल यहाँ पर जो नेशनल कमेटी की बात की जा रही थी उसके आधार पर ये जो एजेंडा को लेकर चलते हैं। वही 1939 में भी त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही होते हैं, पर गांधी जी की जिद के कारण पट्टाभि सीतारामैया जी को जहां पर इनके विरोध में इनके अगेंस्ट में जो है इलेक्शन के लिए कर दिया जाता है खड़ा, यानी इस पद के लिए। तो जब वोटिंग होती है तो SC बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया होता है, हालांकि वोटिंग उन्हीं के फेवर में ज्यादा थी, बट क्योंकि गांधी जी की इच्छा अब यही थी कि वहां पर उनकी इच्छा प्रकट हो रही थी कि सुभाष चंद्र बोस ना रहे इस पद पर, तो इसीलिए वहां पर उन्होंने भी अपनी सीनियरिटी दिखाते हुए क्या किया था कि उस पद से इस्तीफा दे दिया था और तब इन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था? किसानों, कपास मिल मजदूर, आभूषण कारीगर, प्रेस की स्वतंत्रता। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर अहमदाबाद सत्याग्रह की बात की जा रही है, यानी महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ऐसे सत्याग्रह आंदोलन जहां पर हम देखते हैं कि शुरुआती के 3 सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के महान आंदोलनों में से माने जाते हैं। ये वो दौर था जब गांधी जी ने अपने भारत में आने के बाद पहचान बनाई थी कि किस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष को लड़ा जा सकता है, क्योंकि इन तीनों ही आंदोलन में गांधी जी ने प्राप्त की थी सफलता, जिनमें से अहमदाबाद जो था वो दरअसल क्या था, कपास मिल मजदूर, यानी अहमदाबाद के जो कॉटन टेक्सटाइल मिल ऑनर थे उन्होंने जब प्लेग चल रहा था तो यहां पर उन मजदूरों से कमिटमेंट की थी कि 35% का जो बोनस है वो मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्लेग जैसी सिचुएशन ये समाप्त हो जाती है, सब चीज रिकवर होने लगती है, तो उन्होंने कहा कि अब ये बोनस देना बंद करना होगा। तो यहां पर सभी मजदूर जो है आ गए थे यहाँ पर स्ट्राइक पर, हड़ताल करने लगे थे कि हमें तो ये बोनस मतलब जो आप चाह रहे हैं इसे समाप्त करना, उसे समाप्त ना किया जाए। और इस तरह से महात्मा गांधी जी ने जब इस आंदोलन की बागडोर संभाली तो गांधी जी का ये वो पहला आंदोलन हुआ जिसमें गांधी जी ने पहली बार किया था अनशन। इससे पहले गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चला चुके थे पर वहां पर अनशन नहीं किया। ये गांधी जी का भारत में दूसरा आंदोलन और तीसरा होता है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, यानी दूसरे आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने किया, जहां गांधी जी ने सफलता के साथ मनवा लिया था कि किस तरह से कई प्रतिशत पर समझौते के साथ 35% के समझौते के साथ यहां पर उन्होंने जो सैलरी था उसका भत्ता तैयार कर लिया था और मिल ऑनर तैयार थे कि अब वो मजदूरों को 35% सैलरी को बढ़ाकर ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय काल के दौरान हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या फिर लॉर्ड डफरिन? और यहां पर है लॉर्ड डफरिन उत्तर। लॉर्ड डफरिन जहां पर हम देखते हैं 1885 में इन्हीं के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हो चुका था, वही भारतीय
कांग्रेस, जिसे 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से स्टैब्लिश किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के कहने पर दरअसल तब इसका नाम बदल दिया गया था कि यूनियन नहीं कांग्रेस होना चाहिए, और तब जाकर कानूनी रूप से 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में होती है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ डफरेन ने कांग्रेस को क्या कहा था, माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी लोगों का जो है एक तरह से सूक्ष्म होने का संघ है, यानी एक ऐसा संगठन है जहां पर जनता के सूक्ष्म, जनता इसका जो है लीडरशिप करती है, जो इसमें भागीदारी करती है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा था माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार द्वारा किसी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई, मुसलमानों, सिखों, दलित, जाति और बौद्धों। भाई वैसे तो बहुत तरीके से इन प्रश्नों को देखा है, जहां पे मैकडॉनल्ड का किरदार, रामसे मैकडॉनल्ड इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर चल रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में जिसमें बात आती है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि हमारा होता है 1931 से लेकर 1932 तक चलने वाला ये सम्मेलन, हम देखते हैं कि रामसे मैकडॉनल्ड ने घोषणा कर दी थी कि जहां पर उन्होंने भारत के कई समुदायों को, चाहे फिर वो दलित्स हो या फिर क्रिश्चियंस हो या फिर एंग्लो इंडियंस हो, इन लोगों को प्रदान कर दिया था क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंक्लूडिंग सिक्स, जहां पर मुस्लिम्स को पहले ही दे चुके थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लेकिन वहां कहीं भी बुद्धिस्ट का जो है जिक्र नहीं आया था। तो अभी तक हम देखते हैं कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, रामसे मैकडॉनल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड दिया था, उसमें दलितों को भी क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इस माध्यम से कई प्रश्न हम देख चुके हैं, जिस दलित के सेपरेट इलेक्टोरेट से नाराज हो जाते हैं गांधी जी, और नाराज गांधी जी ने कहा था अंबेडकर जी से समझौता करते हुए कि वो ये इच्छा त्याग दे, क्योंकि इससे हमारा हिंदू समाज पूरी तरह से जो है बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तब यहाँ बदले में हम देखते हैं अंबेडकर जी ने भी आरक्षण की बात की थी दलित के लिए, जिसके साथ दोनों के बीच में होता है गांधी अंबेडकर समझौता, या जिसे पूना समझौता इतिहास में जाना जाता है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट, अगर एक नया तरीका क्वेश्चन है कि कौन इसका हिस्सा नहीं बना था, बुद्धिस्ट नहीं बने थे, वहां पर इनके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, सर पैथिक लॉरेंस, सॉरी यहां पर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो यहां पर उत्तर होता है हमारा लॉर्ड एमरी, क्योंकि अगर बात करते हैं 1946 का कैबिनेट मिशन जो एक उद्देश्य से आता है भारत में, यानी भारत की जो यहां पर पावर्स थी, इंडियन जो पावर्स है उन्हें इंडियंस के हाथ में सौंपने के लिए, तो हम देखते हैं उसको लीड करते हैं ये तीनों लीडर्स, लेकिन लॉर्ड एमरी उसमें शामिल नहीं थे। इसमें जब नहीं पूछा गया है तो यही हमारा उत्तर होता है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, प्रांतीय समूह, भारतीयों का अंतरिम मंडल, या पाकिस्तान की स्वीकृति संविधान निर्माण का अधिकार। यहाँ पे जब बात कैबिनेट मिशन की हो रही है, तो कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बात करी थी, जैसे कि अगर हम देखते हैं जो तीनों लीडर्स थे जो हमें नजर आते हैं, चाहे फिर वो पैथिक लॉरेंस हो, चाहे एवी अलेक्जेंडर हो, या फिर यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स की, ये लेकर आते हैं लीडरशिप में कैबिनेट मिशन, जहां पर इन्होंने कहा कि इलेक्शंस के माध्यम से कार्यकारिणी तैयार की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब तैयार करेगी भारत का एक ऐसा संविधान जिस पर चल सकेगा भारत। और तो और यहां पर उन्होंने इलेक्शंस की बात की थी, लेकिन इसी के बीच में जो मतलब संविधान से संबंधित भी बहुत सारी चीजें कही थी कि कौन कौन जो है संविधान को स्वतंत्र होकर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो वो संविधान से अलग भी रह सकते हैं, लेकिन जो चीज स्वीकृति नहीं की थी, कई मध्य मतलब कहीं यहां पर हम देखते तथ्यों पर चर्चा करी थी, लेकिन कौन सा जो फैक्ट है यहां पर अनएक्सेप्टेबल था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, मतलब पाकिस्तान की जो मांग है बहुत पहले से मुस्लिम लीग रख चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन के दौरान अनएक्सेप्ट कर दिया जाता है, यानी ठुकरा दिया जाता है। हालांकि बाद में पाकिस्तान और भारत का विभाजन का ये जो क्लॉज रखते हैं वो माउंटबेटन रखते हैं, जो भारत के अंतिम वॉइसरॉय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, उन्होंने अपने प्लान में माउंटबेटन योजना में
भारत और पाकिस्तान का विभाजन शामिल किया था और उसके आधार पर इस प्लान को फॉलो भी किया गया था। तो हमारा उत्तर होता है एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन ने नहीं दी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट महात्मा गांधी वाइसरॉय। वह अगर हम यहाँ पर देखें तो एक नया अच्छा क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है सबसे पहली बात, क्योंकि भाई यहाँ पर यह भी तो देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जो एक पद अब यहाँ पर नियुक्त हो चुका था, स्वतंत्र भारत तैयार हो चुका था, तो अब वहां पर किस तरह से उसको नियुक्त करने की अनुमति देते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो हमें नजर नहीं आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस समय ब्रिटिश सम्राट का अब यहां से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि भारत अब हो चुका है स्वतंत्र। क्योंकि बात आई है जब प्राइम मिनिस्टर की, तो यहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर के बीच में अब उनका कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी जी का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि महात्मा गांधी जी एज अ, जब हम बात कर रहे हैं 1947 से 1948 तक, ये गांधी, महात्मा गांधी जी जो 1948 में जिनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है, एक ऐसे दौर में महात्मा गांधी जी रहे थे जहां पर हम सभी समझ सकते हैं कि किस तरह से उनको पाकिस्तान और भारत के विभाजन का धक्का लगा था और किस तरह से अंत में उन पे गोली चला दी जाती है। वहीं वाइसरॉय को पद ही समाप्त हो जाता है, तो उत्तर हमारे पास क्या, गवर्नर जनरल, जहां पर हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल का पद अभी भी बाकी था, इसीलिए गवर्नर जनरल द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे समाज सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार या संवैधानिक सुधार। तो हमारा यहाँ उत्तर होता है जो हम बात करते हैं संवैधानिक सुधार, क्योंकि अगर समाज सुधार की बात करते हैं तो ये कार्य तो हमारे भारत के बड़े बड़े जो लीडर्स रहे थे या कुछ ऐसे रिफॉर्मर सुधारक रहे थे उन्होंने किया था, जिसमें भी हमने बात करी है राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, तो वो लोग अलग थे जिन्होंने बहुत कार्य किए। तो वहीं अगर बात करें मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड की, तो वो तो ऐसे नालायक जो कभी सोच ही नहीं सकते थे हमारे भारत के समाज सुधार के बारे में। शैक्षिक सुधार इससे संबंधित नहीं था क्योंकि शिक्षा के लिए अलग अलग हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं है। रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनसे संबंधित नहीं है, लेकिन संवैधानिक सुधार इनसे संबंधित है, जिसे और आगे जाके जो मतलब क्लैरिफाई किया जाता है 1935 के अधिनियम में। तो हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू जो इस समय भारत का, यानी 1919 में बात हो रही है, ठीक है, और इस समय भारत का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कौन है, मॉन्टेग्यू है। भारत के वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, जिन्होंने मिलकर जब सुधार की बात की तो वो कहलाते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इनके जो प्रस्ताव पे चर्चा होती है वो था संवैधानिक सुधार पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको अच्छे से जज करने के लिए क्या करेंगे, इसके क्रम पे चलने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी तिथियां, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला हमें नजर आ रहा है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो कि हमारा 1942 में आता है, ठीक है। 1942 के बाद गांधी इरविन समझौते भी चलते हैं, तो ये हमें दिखाई देता है 1931 में, ठीक है। तो यानी 2 से जो 1 है वो 1 बाद में आएगा, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन हमें नजर आता है 1928 में जो भारत में आता है, वही देश का विभाजन हम सभी जानते हैं 1947, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमारे अगर क्रम के अनुसार हम चलें, सबसे पहले छोटी डेट हमें नजर आ रही है साइमन कमीशन, यानी जो हमारा ऑप्शन 3 है वो पहले रहेगा। उसके बाद हमें नजर आ रहा है गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931, यानी हमारा सेकंड हो गया। फिर हमारे पास 42 आ जाएगा, यानी क्रिप्स मिशन हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 4। आप देखते हैं कि इस क्रम पे कौन सा चल रहा है, 3-2, तो 3 हमारा डी में हो गया, 2-1-4, यानी हमारा डी ऑप्शन, हमारे पास यही एक ऑप्शन है और ये हमारा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट विचार करना है इस पर, नेहरू के मन में उपनिषदों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, ठीक है। और ए और आर का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हम बहुत अच्छे से इसका रूल जानते हैं, तो वो तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं। पर अब जब मैं बात कर रही हूँ, पहला कथन ये क्या कह रहे हैं, नेहरू के मन में उपनिषदों के प्रति कोई जो है श्रद्धा नहीं थी। दरअसल एग्जैक्टली अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये नहीं कहा गया है कि वो उसको मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इनका जो विचार है वो अपने तर्क पे चल रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं उपनिषद, जो हमारे भारतीय ज्ञान और संस्कृति या हमारे जैसे
ज्ञान और दर्शन का उपनिषद माना जाता है आधार। तो वहीं पर ये जो ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ बेसिकली इसी आधार पर फॉलो कर रहे, इसी पाथ को वो फॉलो कर रहे, ये भी तो कहीं डिसाइडेड नहीं है। तो दूसरी बात क्या कह रहे हैं, वो विज्ञान, मतलब उनका दृष्टिकोण जो था वैज्ञानिक था, यानी वो लोग वो जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को मानते थे। तो ये बात सत्य है। दरअसल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण। महात्मा गांधी जी के साथ रहने के बावजूद भी ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भिन्न विचार रखते थे महात्मा गांधी से। मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण, मशीनीकरण को लेकर महात्मा गांधी जी का पूरी तरह से इसका विरोध करना होता था। क्यों? क्योंकि मशीनीकरण से क्या होता था कि भारत में जो पारंपरिक व्यवस्था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम फॉलो कर रहे थे अर्थव्यवस्था को लेकर, यानी कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग, घर से चीजों को बनाकर मार्केट में बेचना, इससे क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल रहा था, लोग कमाई कर रहे थे और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब से मशीनीकरण आया, इससे बेरोजगारी बढ़ने लगी, क्योंकि मशीन लेबरों के बदले में काम कर रही है, तो लेबर की आवश्यकता नहीं। अब लेबर क्या हो गए, बेरोजगार। और मशीन क्योंकि बहुत ज्यादा कम समय में बहुत ज्यादा उत्पादन करती है, माल सस्ता होता था, इसी कारण कहा जाता था कि लोग ज्यादातर वो खरीदते थे, और खरीदने के कारण जो है उसका उपयोग करने के कारण उसका फायदा भी अंग्रेजों की जेब में जा रहा है, भारत के लोग हो रहे हैं बेरोजगार। तो वही अगर हम देखें तो नेहरू जी का मानना था कि दरअसल ये जो मशीनीकरण या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम देखते हैं औद्योगिकरण, देश का विकास इसी राह पर चलने से है। तो यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक पॉइंट मानते थे, तो ये बात तो सत्य है। तो इसका मतलब ए हमारी नजर में हो गया गलत और बी हो गया सही, ठीक है, मतलब ये आर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नजर आ रहा है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संपादक लेखक है, दूसरी तरफ क्या है, मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन बुक है, ठीक है। अरविंदो घोष वंदे मातरम, ये ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए गोपाल कृष्ण जी जो है गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु रहे हैं, और दरअसल इनके द्वारा जो चलाया जाता है वीकली, हम देखते हैं तो उन्होंने कौन सा शुरू किया था, द हितवादी, लेकिन सत्याग्रह से वो संबंधित नहीं थे। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया सही है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका था, एनी बेसेंट। वही महात्मा गांधी जी का यंग इंडिया बहुत सारे थे, यंग इंडिया, नवजीवन और हरि जन अगर देखते हैं तो, इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, तो ये सब महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो ये भी सही है, लेकिन जीके गोखले जी का सत्याग्रह सही उत्तर नहीं है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, किस राज्य से संबंधित थे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हैदराबाद, और यहाँ उत्तर होता है हमारा पंजाब। दरअसल मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा है सारे जहां से अच्छा, ठीक है, तो ये सोच हमारे मोहम्मद इकबाल जी की थी। बहुत एक समय दौर था जहां पर मुस्लिम लीग भी एक समय तक ऐसा विचार रखती थी कि भारत बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ का हिस्सा बनना हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें, परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां, जिसके कारण हम देखते हैं यही मोहम्मद इकबाल वो सर्वप्रथम व्यक्ति हुए थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के अलाहाबाद अधिवेशन को, अगर देखते हैं 1930 के अलाहाबाद अधिवेशन में जो है पाकिस्तान देश को लेकर इन्होंने अपना विचार रख दिया था, जिसे आगे प्रोसीड बाद में जिन्ना ने 1914 के लाहौर अधिवेशन में किया था, जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विचार को दिया था। तो इन्होंने ही, ये पंजाब से थे और इन्होंने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट, पितृद्वारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अब ये क्या है, इसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं क्लिक, और अब हम देखते हैं क्या है। पितृद्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, दीवारों को अर्धकीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से सजाना, मीनारों में ढलान वाली दीवारों का निर्माण, या भवन निर्माण में संगमरमर का उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं, या इसमें से अधिक भी है कोई, ठीक है। अगर अधिक की बात करती हैं तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हमें ऑप्शन नजर आ रहा है और वो क्या है, दीवारों के अर्ध कीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से सजाना, यानी ये जो पितृद्वारा जो कि हमें नजर आता है, सबसे पहले नूरजहां ने इसका यूज किया था, ये एक टेक्निक थी, एक टेक्निक मानी जाती थी, ऐसी तकनीकी मानी जाती थी जिसका नूरजहां ने सर्वप्रथम इत्मादुद्दौला, यानी नूरजहां ने जो अपने पिता के लिए मकबरा बनवाया था
था उसमें इत्मादुद्दौला जो कि आगरा में है उसमें इसका उपयोग किया था तकनीकी का। बाद में इसी तकनीकी को शाहजहां ने दरअसल ताजमहल के निर्माण में उपयोग किया था, जहां पे इनकी दीवारों को खुश बहुत ही खूबसूरती के साथ सजावट के साथ उभारते हुए उन दीवारों को डेकोरेट करने के लिए जो तकनीकी का उपयोग किया जाता था उसको बोलते थे पीटर डोरा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, दीवारों को अर्ध कीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइनों से सजाना। ठीक है, तो मेरी क्लास आप लोगों के साथ कैसे रही बता के जरूर जाना, लाइक एंड शेयर जरूर बनता, शेयर करते रहिए। फिर से मिलूंगी एक नए क्लास में एक नए अंदाज में, तब तक दीजिए आगे, टाटा बाय बाय।